सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैंगो की मल्टीपल ग्राफ्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पर इसका रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसे किस तरह से किया हुआ है। तो मैंने इसे ग्राफ्टिंग करने के लिए कुछ इस तरीके का बड़े साइज़ वाला सायन सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप ग्राफ्टिंग में बिगेनर हैं तो आप इसे ट्राई मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी ग्राफ्टिंग सक्सेस होती है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और मैं इस सायन को यहाँ पर इस तरह से कुछ तीनों साइड में कट लगाने वाला हूँ। आप इसके लिए कोई भी कटर का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जो आप कोई भी टूल यूज़ करते हो वो बहुत शार्प होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से मैंने इसकी जो है छाल को कुछ इस तरह से कट लगा दिया है। और इसी तरह से मैं इसे तीनों साइड में कट लगाने वाला हूँ। और इस तरह से मैंने इस पर तीनों साइड में कट लगा दिया है। और अभी मैं इस पर ग्राफ्टिंग करने के लिए इस तरह के तीन रूट स्टॉक मैंने लिए हुए हैं। और मैंने नीचे से 2 इंच छोड़कर ऊपर वाले पोर्शन को कट कर दूंगा। और अगर उसमें कोई भी साइड में से ब्रांच ग्रो हो रही है तो उसे आप पहले ही कट कर दीजिए। और फिर मैं इसे कुछ एक साइड में इस तरह से कट लगाने वाला हूँ। तो जो गुटली है उसे आप उसके अपोजिट साइड में इसमें साइड से कट लगा दीजिए, ताकि जब आप सायन में इसे बांधेंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आपको इसके साइड में कट लगाना होगा। आप इसके लिए ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ इसी तरह से मैंने इन तीनों रूट स्टॉक पर कट लगा दिया है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले ही प्लास्टिक को एक तरह से गाट लगा दिए है। और फिर मैं इसके अंदर इन तीनों रूट स्टॉक को इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा, जो अगर पहले ही प्लास्टिक को आप बांध देंगे तो आपको इन्हें लगाने में आसानी होगी। और कुछ इस तरह से मैंने इन तीनों रूट स्टॉक को जो है इसके अंदर लगा दिया है। और फिर मैं इसके बाद इस पर प्लास्टिक टेप से रैप कर दूंगा। और कुछ इस तरह से आपको इसे प्लास्टिक से रैप करना होगा। आप इसे बहुत ज़्यादा टाइट भी मत बांधिए और बहुत ज़्यादा लूज़ भी मत बांधिए, बस जो रूट स्टॉक के इस पर अच्छे से चिपका होना चाहिए। इस तरह से आपको प्लास्टिक को रैप करना होगा। और ध्यान रखिए, जो रूट स्टॉक जो हमने लगाया है वो बिल्कुल हिले डुले नहीं, इसके साथ अच्छे से जुड़ा रहे। और कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है प्लास्टिक को रैप कर दिया है। तो हमारी ये जो ग्राफ्टिंग है वो रेडी हो चुकी है। और अब मैं इसे पॉली बैग में मिट्टी के साथ लगा दूंगा और पॉली हाउस के अंदर रखूंगा, या फिर आप इस पर कोई भी प्लास्टिक कवर डालकर भी रख सकते हैं।
तो कुछ एक हफ्ते के अंदर इसमें से जो है छोटे छोटे अंकुरण निकलने लगे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें से कुछ छोटे छोटे अभी अंकुरण निकलने लगे हैं। तो यहाँ पर कुछ नीचे से कुछ दो तीन अंकुरण निकल रहे थे, तो मैंने उसे भी यहाँ से नीचे से कट कर दिया है। और जो हमने जो तीन रूट स्टॉक लगाए हैं वो अभी भी ग्रीन है, मतलब ये जो हमारे जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेस हो चुकी है। और जब इसके जो अंकुरण है वो बड़े हो जाएंगे और उसके पत्ते ग्रीन हो जाएंगे, तब हम इस वाली ग्राफ्टिंग प्लास्टिक टेप को निकाल देंगे। तो उसकी भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इसी तरीके की मैंने बहुत सारी ग्राफ्टिंग रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप मेरे चैनल पर जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।